बेटा मैं खाता हूँ, पर लगाता भी हूँ। हम औरतें घर बनाते हैं अदनान, मकान को घर बनाते हुए सालों गुजर जाते हैं, पर उसे टूटने में एक छोटी सी बात उसको तबाह और बर्बाद कर सकती है। मेरी बहन है, वो यहीं रहती है, मैं उससे मिलता नहीं, वो मर चुकी है मेरे लिए और मैं उसके लिए। जाती हुई बीवी की आखिरी ख्वाहिश भी पूरी नहीं करेंगे। घर पाकिस्तान जाती हूँ, फ्लाइट में कुछ हो जाए तो? कुछ नहीं होगा, ओके? सब ठीक है। And yes, I will miss you. And I love you. Cookie, I have always loved you. And I keep loving you. तुम्हारे जाने से मुझे कितनी जानते हो कि मेरे सारे काम कौन करता है? बस रो नहीं, मेरा ब्रीफ बेबी है ना, रोते नहीं है। शाबाश, बहन ख्याल रखेगी और आप भी बहन का ख्याल रखेंगी। हूँ, आपका सामान रखवा दिए कैब में। दिस इज योर टिकट एंड दिस इज द कैश, टेक द कैश। सारा खाना मैंने फ्रीज करके फ्रीजर में रख दिया है, ख़त्म हो जाए तो ऑर्डर कर लेना, प्लीज़ खुद पकाने मत खड़े हो जाना। अगर मैं खुद खाना पका भी लूँ तो देन व्हाट्स द प्रॉब्लम? नहीं, सारी जिंदगी मैंने किचन में गुजारी है, तुम नहीं। कम ऑन मॉम, डोंट बी सो ड्रामेटिक। अच्छा, आप जैसे ही खाना खत्म हो जाए आप बाहर से ऑर्डर करेंगे, प्रॉमिस करें। 10 दिनों के लिए जा रही हो और ऐसे बिहेव कर रही हो जैसे 10 हफ्तों बाद वापस आओगे, प्रॉमिस करें। ओके ओके, सब वैसा ही होगा जैसा आप चाह रहे हैं। फहद, फोन यूज कम से कम करोगे, नो मोर गेम्स, और जितना टाइम बाबा ने कहा है उतना टाइम ही यूज करोगे, ठीक है? क्यों? प्रॉमिस? प्रॉमिस। आते हुए भी रोना है, जाते हुए भी रोना है, मुझे नहीं समझ आती तुम औरतों की। अब जा रही हूँ ना पाकिस्तान, वापस नहीं आऊंगी। रहेगा सारे समझदार लोग एक साथ। So you really don't want us to go to the airport with you? I hate goodbyes. चलो, let's go. Thank you.
आसमान से आज तो तुम्हारे बाप की तैयारी देखने वाले। अरे भाई कुछ पता भी चला? कुकी पहुंची नहीं पहुंची? आए आए, एक तो आपकी बेचैनी मुझे मार डालेगी। आ जाएगी और कौन सा पहली दफा आ रही है। हाँ कितनी बार पूछेंगे, उसके पास बैलेंस होगा, जैसे ही लैंड करेगी फोन कर देगी। हाँ हाँ वो तो मुझे पता है होगा, लेकिन यार तू फोन करना। देखें जरा अब्बा की बेचैनी को, ऐसा लगता है कि वो इनकी इकलौती औलाद है। हाँ औलाद इकलौती तो नहीं है, लेकिन दूर तो है ना, परदेश में। वैसे भी परदेश में औलादे होती हैं तो माँ बाप को ज्यादा फिक्र होती है। क्यों भाई? अरे अम्मा इसमें फिक्र की क्या बात है, आना भले परदेश में है लेकिन अपने घर में खुश तो है ना, ये काफी है। क्यों अब्बा? हाँ वो काफी है, लेकिन बेटी बेटी होती है। माशाल्लाह अल्लाह मेरी बेटियों को आबाद रखे। वैसे कुकी में जितनी सिफतें हैं ना तुम लोगों को नहीं पता, तभी तो उसके ससुराल वाले जान देते हैं उस पर। बहुत सिफतें हैं आपकी कुकी में, कोई डाउट नहीं इसमें। बस एक दफा कुकी आ जाए फिर ढोलकियों का सिलसिला शुरू होगा। फिरोजा ने तो साफ कह दिया है जब तक खाला नहीं आएगी नो ढोलकी। रौनक भी तो लगी होती है ना उसकी वजह से। माशाल्लाह से मेरी बच्ची। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम सलाम। क्या है, किधर है तुम्हारा मियाँ? वो मुझे छोड़ के गए हैं, वो आएंगे बाद में। आप कैसी हैं भाभी? बिल्कुल ठीक, तुम कैसी हो? कहाँ है कुकी, अभी तक आई क्यों नहीं? बस आने वाली होगी। मैं कहता हूँ फौरन आ। हैदर यार तू फोन कर। अब्बा शाहीन को वहीं पर हैं, आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें, पता चल जाएगा। कर रहा हूँ। जी जी कर रहा हूँ, जी कर रहा हूँ। क्या पता पहुँच गई होगी। नहीं अब्बा की बेचैनी देख लो जरा। मुझे तो चाय भी नहीं पी जा रही, मैं कहता हूँ आ जाए। चैंप, खाना खा ले। हमने कहा है? हमने अपने रूम में। पापा मामा पहुंच गई होंगी ना? नहीं, she still has a few hours to go. Okay, I'll go set the table. You go get your sister. I'll see you in 5 minutes. पापा, I'm not hungry. अच्छा, तो अभी से हरकतें शुरू कर दी आपने। मामा की सारी बातें भूल गए। अभी वो वहां पहुंची नहीं है और तुमने उनकी प्रेडिक्शंस को ठीक साबित करना शुरू कर दिया। Is that so? Come on, be a good boy. 5 minutes. Go. पापा, I've done the dishes and कल हमला की बारी। Good. So, what are you doing? Ah, nothing. Just killing time. Come, sit with me. मामा ने फोन किया? कहाँ यार, कराची जाके तो वो हमें भूल ही जाती है। Yes, but एक कॉल तो कर ही लेती है ना? She'll call. Let's just wait for her. Okay, पापा, I'm off to my room. और अगर मामा की कॉल है तो मुझे बताइएगा। Sure. Good night. Good night, पापा. Come on. पापा शुड आई कम इन? यस। मामा ने ये ड्यूटी भी आपकी लगा दी और मैं ड्रॉअर में ढूंढ रहा हूँ। यू नो हाउ ऑर्गेनाइज्ड शी इज। या। डू यू नीड एनीथिंग एल्स? नो, थैंक यू। बट कम हियर। बैठो। बात बताओ मुझे, तुम मामा के सामने इतना डिफरेंट क्यों होते हो? हर वक्त अपने आप में गुम। मुझसे शिकायत करती है तो मुझसे बिल्कुल टाइम नहीं देते, और जब मामा जाती हैं तो बिल्कुल डिफरेंट हो जाते हो।
उनकी बात मानने वाला रिस्पॉन्सिबल बेटा। चक्कर क्या? Maybe I'm not expressive now. Or maybe you miss her too much. आप उनको मिस नहीं करते? Well, I think I do. But don't tell her that. You're gonna tell her that, huh? No. No. You tell her what I'm gonna do to you. No, no. You know what I'm gonna do to you, huh? Okay, let me tell you. No, I know you will tell me. Yeah. Baba. Oh, yeah. Please, ये मुझे समझाए, इसमें से मुझे कुछ भी समझ नहीं। Oh my God, you and your studies. चलो एक बात बताओ, ये तुम्हारा भाई तुम्हारी तरह पढ़ाई क्यों नहीं करता? डॉक्टर है ना? पापा, she's teasing me again. What? He is not adopted. You are adopted. That's not fair. Come on, let's tell her who is adopted. रह गई है कुकी, एयरपोर्ट खाली हो गया है, सब पैसेंजर निकल गए हैं। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा भाई, वो उमर कहाँ हो तुम? मैं बस खाना खाने आया था। कुकी मम्मी आ गई? वही तो मसला है, जो दो फ्लाइट्स आई थी वो दोनों खाली हो चुकी हैं और सारे पैसेंजर निकल गए हैं, और अब तो कुकी बाहर नहीं आई है। मुझे तो बहुत बड़ा मसला लग रहा है, तुम जल्दी से आओ यहाँ पे। मैं आता हूँ। ओके। अदनान। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जरा अपनी भाभी से बात तो करवाइए, कराची पहुंचकर तो वो भूल ही गई है कि पीछे किसी को छोड़ आई है वो। फिलहाल तुम्हारी कुकी मिल नहीं रही है। क्या मतलब? अदनान मैं यही कह रही हूँ, फ्लाइट दोनों लैंड कर चुकी हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। सारे पैसेंजर्स के बारे में मैंने पता किया लेकिन कुकी नहीं निकली है। उसकी फ्लाइट टेक ऑफ की थी लेकिन कुकी यहाँ एयरपोर्ट पे नहीं है। तो कहाँ गई होगी? अपनी अम्मी की तरफ गई होगी, आपने वहाँ चेक किया? मैंने वहाँ भी कॉल किया है, वो वहाँ भी नहीं। क्या कह रही हैं आप? क्या मतलब है आपका, कहाँ है वो? मैं सही कह रही हूँ अदनान, कुकी नहीं है यहाँ पे। कहाँ गायब हो गई है वो? कुकी कहाँ है? बाहर नहीं, मैं बाहर कब से उसका इंतजार कर रही हूँ, मेरी बेटी। फिर क्या होगा उससे? क्या हो, क्यों नहीं आई है वो अभी तक यहाँ पे? माँ आ जाएगी, ऐसे तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी ना। आप तो बैठे, खुदा के लिए बैठ जाएं आप। कैसे बैठ जाऊँ मैं? दादू आप परेशान नहीं हो, कुकी पापा मिल जाएंगी। पता नहीं सुबह से तो सब कुकी को देखने के लिए इतने बेताब हो रहे थे, इतने खुश थे,
क्या बड़ा क्या छोटा, सब कुकी कुकी कर रहे थे। पता नहीं, जब भी हमारे घर कोई खुशी का मौका आता है, कोई ना कोई मुसीबत आ जाती है। अम्मी हाँ हाँ, मैं वहम ना करें, और वैसे भी ऐसी चीजें तो हो ही जाती हैं। देखिएगा अभी कुकी फूफो का फोन आ जाएगा। लेकिन मुझे तो चैन नहीं आ रहा ना, मैं क्या करूं? कोई अदनान को फोन तो करे जा। हाँ, के उसे अगर वो होता ना तो मुझे हिम्मत आ जाती, लेकिन मेरी बेटी अकेली। पहली दफा नहीं आ रही अकेली, वो संभाल लेगी, आती रहती है अकेली। क्या हो गया? पानी लेकर पानी लेकर कोई तो फोन करे। अस्सलाम वालेकुम अदनान भाई। कुकी कहाँ है? कुकी वो लास्ट टाइम जब मेरी उससे बात हुई तो वो एयरपोर्ट से अपना लगेज ले रही थी, उसके बाद से उसका फोन बंद आ रहा है। प्लीज़ पता कीजिए जाके हर जगह पर, एयरपोर्ट हॉस्पिटल एवरीवेयर, और अगर कुछ भी पता चले तो मुझे फ़ौरन बताइए, मैं यहाँ कॉन्सुलेट को टच करता हूँ। जी मैं पता करके बताता हूँ। ओके क्या मुश्किल आ गई है बैठे बैठे, एक तो शहर के हालात से ही नहीं, तुम जानती हो, और वो तो एयरपोर्ट का रास्ता। अब वो आप परेशान होने से ना सिर्फ अपना ब्लड प्रेशर हाई करेंगे और कुछ नहीं। हद कर रही हो शाइना, तुम्हें मेरे ब्लड प्रेशर की फिक्र हो रही है, तुम्हें कुकी की फिक्र नहीं हो रही? अब वो कुकी बच्ची नहीं थी, और ना वो बस स्टैंड पे खड़ी थी, वो एयरपोर्ट पे थी, एंड एयरपोर्ट इज अ सेफ प्लेस। लेकिन बेटा तुम आजकल के हालात तो देखो। अम्मी कुकी एक कॉन्फिडेंट लड़की है, आप ही तो कहती थी ना कि मेरी बहू इतनी काबिल है कि किसी भी मसले का हल चुटकी बजाते निकाल लेती है, आप अपना दिल क्यों छोटा कर रही हैं? एक तो ये अदनान भी दुनिया जहान का बेहतरीन आदमी है, अपनी सारी जिम्मेदारियां अपनी बीवी के सर डाल के बिल्कुल बेफिक्र हो जाता है। हद हो गई, इतने सालों से वो अकेली आ रही है इतनी दूर से, तो वो बेचारा क्या करे, उसकी नौकरी ऐसी है। हाँ, बेचारा, अरे वो कहां से बेचारा हो गया भाई, दुनिया का हर मर्द नौकरी करता है, अपनी जिम्मेदारियां निभाता है, अपने रिश्ते निभाता है, अपनी ड्यूटीज निभाता है, उनसे नहीं निभ रही बस। लोग कहते हैं कि बेटा हो बेटा हो, और मैं कहता हूं कि मेरी तो सारी जिम्मेदारियां मेरी बेटियों ने संभाली हुई है, चाहे वो शाहिना हो चाहे वो कुकी हो। अब आप हौसला करें, बस अब उठते बैठते उसके लिए दुआ ही करें, मेरा दिल कहता है कि वो बिल्कुल महफूज होगी। तुम फोन तो करो शाहिना, उसको उमर को फोन करो। अभी तो वो सिविल एविएशन के ऑफिस गया था, मैं पता करती हूँ। Good morning, Dad. Good morning. I'll get you breakfast ready. No, no, Dad. I'm getting very late. मेरी बस आ गई से। फहद को उठा देगा सही है? See you in the evening. क्या हुआ पापा? You did not sleep all night. Come, sit. Not feeling well. Papa, I think you need to rest. You look worried since last night. That's okay. I'll be all right. You must school jana hoga na? I'll get your breakfast with you. No, I'm not going to school today. Kyun? School kyun nahi jana? Aapki tabiyat theek nahi hai na? And mama said to take good care of you. मामा खुद तो मामा क्या Nothing. पापा अगर आप मुझे नहीं बताएंगे ना
तो मैं दादा को पाकिस्तान फोन कर लूंगा। इट्स बेटर इफ यू टेल मी। यू आर वेरी स्टबर्न। मामा दादा के घर नहीं है। तो फिर नाना के घर होंगी। वहां भी नहीं है। आई डोंट अंडरस्टैंड, व्हाट डू यू मीन? She's missing. Missing? What do you mean missing? Did you have a fight with her? Beta, have you ever seen me fight with her? तो पापा क्या हुआ है? Where is she? I don't know. अब क्या होगा पापा? कुछ नहीं हुआ। मैंने उमर से बात की है। उसने आगे सिक्योरिटी फोर्सेस वालों को बोला है। We'll know where she is soon. आप उन्हें कॉल करें ना। आप उनसे बात करें। Relax, okay? We'll find her. Everything will be okay. मामा मिल जाएंगी ना? Come here. Of course मिल जाएंगे यार। Why are you so worried? I'm on it. कैमरा नंबर 3। हाँ जी, हाँ जी, यही है। मगर आप तो कह रहे थे कि वो अकेली हैं, और ये तो एक मिनट, मैं जूम इन करता हूं। क्या आप इन्हें जानते हैं? नहीं। अच्छा, आप एक काम करें, आप जाके थाने में इनकी मिसिंग की रिपोर्ट करवाएं। कौन सा थाना? अपने एरिया के थाने में, या फिर यहीं एयरपोर्ट के थाने में करवाएं। मगर मुझे तो ये कोई और मामला लगता है। How is this possible? What do you mean by that? अरे मैं तो खुद हक्का बक्का रह गया ये सुनकर। मुझे तो समझ ही नहीं आया कि मैं उस टाइम उनको क्या जवाब दूं। तुम लोगों को गलतफहमी भी तो हो सकती है। You can't be sure of the CCTVs. वहीं इतना हुजूम होता है, इतने लोग होते हैं, सब लोग एक साथ निकल रहे होते हैं। नहीं मामू, मामी इस बंदे को 110% जानती थी। ये तो CCTV फुटेज देख के ही पता लग गया था। I can't believe it. मैं अपने दोस्त से बात करता हूँ, वो सिविल एविएशन में। उमर तुम कुछ भी कहो, बट मेरे लिए पॉसिबल नहीं है यकीन करना कि कुकी अपनी मर्जी से किसी के साथ चली गई। और प्लीज तुम ख्याल रखना, जरा घर पर ऐसी कोई बात ना हो। किसी से बात करना और किसी के साथ चले जाने में बहुत फर्क होता है। मैंने तो आपको वही बताया जो मैंने देखा है। बच्चे, अभी तुम्हारी उम्र इतनी नहीं है कि तुम्हें हर बात समझ में आए। बाज दफा आंखों देखा भी गलत होता है। एंड दैट्स व्हाट इट इज। Listen, I don't want any more speculations, okay? Let me handle it. Bye. मुझे तो किसी तरह से यकीन ही नहीं आ रहा। मुझे तो लग रहा है जैसे मैं कोई डरावना ख्वाब देख रही हूँ। कभी सोच भी नहीं सकती थी कि हमारे साथ ऐसा हो जाएगा। मुझे तो अब भी यकीन नहीं आ रहा।
कुकी ऐसा कर ही नहीं सकती, सवाल ही पैदा नहीं होता। अब्बू, उमर ने अपनी आंखों से देखा है, उसे झूठ बोलने की क्या जरूरत है? बेटा, बास दफा आंखों से देखी हुई चीजें भी गलत होती हैं। लेकिन आपकी आंखें तो कभी नहीं खुलेंगी ना, जो साफ दिखाई दे रहा है वो आपको नजर नहीं आता, बस अपनी बहू के गुनगाने में लगे रहते हैं। दुनिया देखी है मैंने नफीसा बेगम, सारा कसूर आपका है। कितना मना किया था मैंने कि भाई ये मोहल्ले की लड़कियां हमारे रखरखाव नहीं समझ सकती, लेकिन नहीं, देख लिया नतीजा उसका। अच्छी खासी फजूल बातें कर रही हूँ, उस बच्ची की सारी जिंदगी तुम्हारी नजरों के सामने है, कभी कोई खामी नजर आई है उसमें तुम्हें आज तक? एक आप बहू के मुरीद, एक आपके बेटे दुनिया के इंतहाई जन मुरीद, खुली छुट्टी दे रखी थी उसको, पता नहीं वहां क्या कुछ हो रहा था, हमें क्या पता। दुनिया मेरे बच्चे पर क्या गुजर रही होगी वहां पर। मुझे तो लगता है उमर को कोई धोखा हुआ है, आखिर बच्चा ही है ना, और ये कोई मानने वाली बात है भला, बताए। नहीं, उमर ऐसा नहीं कर सकता, समझदार बच्चा है, बात घूम फिर कर वहीं आ जाती है कि अगर उमर को धोखा हुआ है तो आखिर कुकी गई कहाँ? ऐसी कौन सी बड़ी बात हो गई है जो इतनी बड़ी कयामत आ गई है? भाई हो सकता है कुकी के ससुराल वालों को कोई धोखा हो गया हो, कोई बात छुपा रहे हो हमसे। अल्लाह बेहतर जानता है, अगर मेरी कुकी इतनी घटिया हरकत नहीं कर सकती, मैंने उसकी तरबियत इतनी हल्की नहीं की है। लगता है अब्बा आपकी तरबियत पे बाहर का माहौल गालिब आ गया। क्या क्या मतलब है तुम्हारा इस बात का? देखे ना, वहां तो ऐसा होता ही रहता है, मामूली मामूली सी बात पे शोहर बच्चों को छोड़ देना, शादी या घर छोड़ने को बड़ी बात नहीं समझा जाता, वगैरह वगैरह। होश में दो तुम, बोले जा रही। क्यों अब्बा, ऐसी कौन सी गलत बात कह दी मैंने? अब्बा वो बाहर की हो चुकी है, अदनान भाई ने उसे अपने रंग में ढाल लिया है, मुझे तो कोई हैरत नहीं हो रही, बस इतनी सी बात है जो आप लोगों की समझ में नहीं आ रही। इसकी भी ना डेढ़ ईंट की मस्जिद अलग ही होती है, कोई ऐसा मौका नहीं होता कि अपनी छोटी बहन की बुराइयां शुरू कर दे। बस ईमान से, मैंने तुम्हारी जैसी बहन ना पूरी दुनिया में नहीं देखी है। अम्मी आप मुझे सलवाते सुनाना छोड़े और उसके ससुराल वालों की फिक्र करें, जब वो पूछेंगे तो क्या जवाब देंगी, कहाँ गई आपकी चहेती और किसके साथ? दे रही हो ना तुम तकलीफ है ये बातें करके मुझे? हाँ, खुश हो रही हो तुम तो ठीक है, हम उनकी भी सुन लेंगे, बर्दाश्त कर लेंगे थोड़ा बहुत। मैं तो हूँ ही बुरी और बेहिस, बचपन से लेकर आज तक हर अच्छी चीज पर आपकी चहेती का हक था, हत्ता के अदनान भी। लो फिर से ये पुराना दुकड़ा शुरू कर देगी। बेटा तुम्हें कितनी मरतबा मैं बता चुकी हूँ, शाहिना आई थी ना ये रिश्ता लेकर के, कुकी को पसंद किया था उसने, जबकि मैंने बोला था कि हिना बड़ी है, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी, तो अब मैं क्या कर सकती हूँ? बताओ बताओ ना, अगर उसकी शादी हुई है तो चंद दिनों बाद तुम्हारी भी रुखसती हो गई थी, तुम्हारी भी शादी हो गई थी, तो अब ये पुराने ढोल पीटना बंद कर दो बेटी, बस। फिर तो बिल्कुल ठीक हो रहा है शाहिना बाजी के साथ, क्या अपनी पसंद को? तुम ये फजूल बातें बंद करो, और तुम सब मेरी एक बात गौर से सुन लो, ये जो कुछ हुआ है इसकी भिनक बाहर नहीं पहुंचनी चाहिए, अगर ये बात तुम्हारी ससुराल तक पहुंच गई तो तुम कुकी को भूलकर तुम्हें अपनी पड़ जाएगी। लो भला, मुझे क्या जरूरत पड़ी है पराई बला अपने गले डालने की? सुनो, मेरी बात सुन लो तुम, सबा को और बाकी जो मुझे सबको बता देना, खुदा के लिए ये जो कुछ हुआ यहीं रहे, यहीं इसी घर में। You didn't go to school? I couldn't. Why? क्या हुआ फहद? मॉम नहीं मिल रही। क्या मतलब मॉम नहीं मिल रही? She is gone missing. कराची तो पहुंच गई थी but what? She left with someone. क्या बातें कर रहे हो? Left with who? I heard dad talking to Umar bhai. कहाँ है बाबा?
मुझे उनसे बात करनी है। बाबा 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 कमरे में तो नहीं है, वेयर इज ही? He's outside. Outside where? Must be at Pakistani consulate. तो समझ में नहीं आ रहा कि कुकी को हो क्या क्या है। अरे यार तुम्हें अपनी समझ लड़ाने की जरूरत नहीं है इस वक्त। मेरे गले क्यों पड़ना है, मैं तो ऐसी बात कह रही हूं। अरे यार तुम दो मिनट के लिए खामोश नहीं रह सकती? दो मिनट के लिए यार सोचने दो कि मुझे करना क्या है। वैसे हैदर मुझे कुकी से हरगिज ये उम्मीद नहीं थी। क्या कैसी उम्मीद? देखो मतलब इस तरह सबके सामने खुलेआम बाबा अभी तक मामू ने पुलिस में रिपोर्ट क्यों नहीं लिखवाई? मैंने उमर से भी पूछा, ही आल्सो आंसर्ड मी हाफ हार्टेडली। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड व्हाई दीस पीपल आर नॉट टेकिंग दिस इशू सीरियसली। इट्स नॉट दैट सिंपल बेटा। पाकिस्तान में औरत की गुमशुदगी की पुलिस में रिपोर्ट करवाने का क्या मतलब है हम नहीं जानते। हैव यू हैड अ फाइट विद हर? व्हाई डू यू गाइस कीप आस्किंग मी दैट? तुम लोगों ने आज तक मुझे अपनी मामू से लड़ते हुए देखा है? फिर हुआ क्या? I don't know. वो आदमी कौन है बाबा? कौन है? I heard you dead. Listen, it's just an assumption, and I'm sure it's not correct. मगर ये सब करने के पीछे रीजन क्या है? But how can mom do this? How can she break her home? How can she even think of living without us? You guys come here. What's wrong with you, huh? And why are you talking about breaking our home? I just came back from the Pakistan consulate. कि ऐसा कोई भी गलत काम कर ही नहीं सकती। अच्छा अपने खानदान के बारे में तो बहुत ही कोई कमजोर याददाश्त है आपकी। हाँ तुम आखिर कहना क्या चाहती? मैं सिर्फ आपको ये याद दिलाना चाहती हूँ कि कुकी के बारे में आपने खुद कहा था कुकी इतनी बेधड़क है, जो काम दूसरे सोचते हैं कुकी तो कर गुजर जाती है, वो बस देखते रह जाते हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि अरे आप खुद ही तो कहते थे बाहर रह के कुकी बहुत तेज हो गई है। तो भाई मैं तो उसके एहतमाद से बात करने के बारे में बात कर रहा था। एतमाद किस चीज के लिए? मर्दों से बात करने के लिए ना। तुम उसके किरदार पर उंगली उठा रही हो। मैं आपको सिर्फ कुछ बातें याद दिला रही हूँ जो आपके और आपके घर वालों ने कुकी के बारे में कही थी। इस सारी बकवास का आखिर मकसद क्या है? खुद को धोखा देना छोड़ दें आप और ये सोचें कुकी के इस तरह गायब होने का मतलब क्या है। यही ना कि उसको अब किसी की परवाह नहीं है। अरे जिसने अपने बच्चों के बारे में नहीं सोचा तो आप और मैं किस खेत की मूली हैं? ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे दिमाग का फतूर है और कुछ भी नहीं है। उसके बचपन के बेजरर वाकयात को लेकर उस पर इल्जाम तराशी कर रही हो जैसे मौके की तलाश में थी तुम। अगर वो बचपन में ये सब कर सकती है ना तो अभी भी वो कर सकती है। कुकी तो वही है ना। यार फरिया अपनी बेतुकी बातों से ना मुझे परेशान नहीं करो। अभी आपने परेशानी देखी का है, अभी तो बात घर में है। कल तक कुकी अगर घर नहीं आई तो क्या जवाब देंगे आप लोगों को? हाँ यही कि शादी के इतने सालों बाद आपकी बहन लापता हो गई अपनी मर्जी से। Thank you.
आप लोगों ने अब तक पुलिस में रिपोर्ट क्यों नहीं की? तुम्हें बताया तो है, ये पाकिस्तान है, बात फैल जाएगी, किस किस को जवाब देंगे? आई डोंट केयर शाहिना बाजी, क्योंकि पता नहीं किस हाल में और आप लोगों को बदनामी की पड़ी। देखो अदनान, जरा ठंडे दिमाग से सोचो, कुकी अगर नादानी में ही सही, किसी और के साथ। आप कहना क्या चाहती हैं? अदनान, जिस सच सच बताना, तुम्हारे ताल्लुकात कुकी के साथ कैसे चल रहे थे? आप कितनी दफा मुझसे बात पूछेंगे? अदनान, मेरा मतलब, देखिए मैं आपसे कह चुका हूँ, मेरा कुकी से किसी किस्म का छोटा बड़ा झगड़ा या इख्तलाफ नहीं। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो आप बच्चों से पूछ लें, और फर्ज कर लें अगर ऐसा कुछ था तो आप मुझे बताएं मैं इतने रुपए पैसे खर्च करके उसे पाकिस्तान क्यों भेजता? हाँ तो फिर क्या, कुकी जादू के जोर से गायब हो गई है? यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है, वो जाते वक्त बिल्कुल ठीक थी, बार बार मुझसे कह रही थी मुझे मिस करेगी। मिस करने की क्या जरूरत उसको पेश आई? वो वहां से निकलते वक्त तुम्हें इतनी शिद्दत से क्या बताना चाहती थी? शाहिना बाजी, इस वक्त मैं बहुत मुश्किल में, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, आप मुझे क्यों कंफ्यूज कर रही? कंफ्यूजन की तो बात है ना अदनान, एक औरत अपनी मर्जी से किसी को इत्तला किए बगैर अगर किसी अनजान शख्स के साथ चली जाती है तो कोई ना कोई तो वजह है ना, वो वजह क्या है सिर्फ तुम जानते हो अदनान।